नमस्कार फ्रेंड्स, जेन्युइन इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। इंजीनियरिंग ड्राइंग की सीरीज के अंदर हम आज हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर आ गए हैं। जो हमारा टॉपिक है वो थर्ड टॉपिक है। इससे पहले के जो दो टॉपिक्स थे उन पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि कमेंट्स में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला है कि सर काफी अच्छा लग रहा है कि डीपली कंसेप्ट आप लेके चल रहे हो इन ड्राइंग के अंदर। सो इसी के रिगार्डिंग मैंने क्या है कि अपनी ये सीरीज आगे बढ़ाते हुए टॉपिक थर्ड के अंदर जो है वो स्केलिंग के प्रोसेस से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ड्राइंग के अंदर जो रीड की जाती है, सबसे पहले जिसको देखा जाता है उस चीज को मैंने लिया है। सो हमारा जो टॉपिक है वो टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार, इसको आप टाइटल ब्लॉक भी बोलते हैं। टाइटल बार जो है इसको आप टाइटल ब्लॉक भी बोल सकेंगे। ये टाइटल ब्लॉक क्या है, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये, इसको टाइटल ब्लॉक बोला जाता है। ये आपका टाइटल ब्लॉक, ये टाइटल ब्लॉक है जिसमें आपको दिख रहा है इसमें सारी चीजें। ये KS4275PNTF2DRG DG, ये क्या है, ये सारी चीज क्या है, तो ये देखने के लिए हम आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ड्राइंग है। इस ड्राइंग के अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें है। सो इसमें जो ये आपको जो मैंने कलर किया हुआ पार्ट है, जो ब्लैक है थोड़ा ब्लू है, इसके अंदर ये जो बॉक्स नीचे कोने में दिया गया है इसको हम टाइटल बार बोलेंगे, जिसको आप टाइटल ब्लॉक बोल सकते हैं। ये जो ड्राइंग है आने वाली वीडियोस के अंदर इसी ड्राइंग का हम प्रोग्राम बनाएंगे। ये ड्राइंग जो है ये CNC की ड्राइंग है। इस ड्राइंग में पिस्टन हमको बनाना है। इसी टाइटल ब्लॉक को बढ़ा करके इसके अंदर बताया गया, ये जो मैंने डार्क किया गया ये जो डार्क है इसी को, इसी के अंदर सारे इंस्ट्रक्शन है, और ये मॉडल मटेरियल स्केल पिस्टन कंपोनेंट सारा जो है क्वांटिटी सारा इसी चीज़ को मैंने बोर्ड पे बताया हुआ है। सो इसी टाइटल बार को मैंने अच्छे से बोर्ड पे एक्सप्रेस करके ही वो बनाया हुआ है। तो ये जो हमारा आया हुआ है इसी के थ्रू आया है, और इसके अंदर यही। अब आप समझ चुके हैं कि ये चीज आई कहाँ से है। ड्राइंग के अंदर से ही ये चीज ली गई है। जो ड्राइंग होता है उसी में से एक पार्ट होता है, जैसे कि ड्राइंग है तो इस ड्राइंग में से यहाँ पे कोने पे जो छोटा सा एक बॉक्स होता है इसको हम टाइटल ब्लॉक बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। सो वही टाइटल बार के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें। टाइटल बार के अंदर भी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्या क्या चीजें होती है वो है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं कहीं पे भी किसी भी चीज के लिए, सबसे पहले आपको ड्राइंग ही देंगे। ड्राइंग अगर आप रीड नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। सो इसी के लिए मैंने इसमें जो है कुल आपके जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने सारी रीड करके मैंने सोचा कि मैं आपके सामने क्या एक्सप्रेस करूँ, क्या चीज मैं आपके सामने रखूँ। सो मैंने क्या है कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठे किए हैं, तो 17 पॉइंट्स जो है मेरे ख्याल से 17 पॉइंट्स जो है किसी भी ड्राइंग को रीड करने के लिए काफी है। तो इसमें से 1 से लेके 70 पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो है आपको क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया रहेगा आपका पार्ट का नाम, जो आपका कंपोनेंट है उसका नाम क्या है, कंपोनेंट का पार्ट का नाम वो सबसे पहले ड्राइंग के अंदर दिया गया। वो बीच में दिया जा सकता है, साइड में दिया सकता है, टॉप पे दिया जा सकता है। यहाँ पे जैसे लिखा है कंपोनेंट पिस्टन, इसका डाया भी साथ में दिया हुआ है। ये ड्राइंग काफी डिफरेंट टाइप की है। जितनी भी ड्राइंग्स होती है ऐसा नहीं कि आपने कोई ड्राइंग रीड कर ली तो आप सारी ड्राइंग रीड कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको नॉलेज बढ़ाने के लिए अलग अलग ड्राइंग्स रीड करनी पड़ती है। उनके लिए हर ड्राइंग का स्पेसिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है, हर का साइज अलग अलग होता है, और सिस्टम जो होता है वो भी प्रॉपर डिफरेंट होता है काफी। सो इसके अंदर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी चीजें इसके अंदर बता दूं वो है। सो पार्ट का नेम होता है वो यहाँ पे आ जाता है कंपोनेंट का नेम। पार्ट का नंबर क्या है, पार्ट का नंबर जो आप पार्ट यूज कर रहे हो, जिस जो आपकी ड्रॉइंग है उसमें पार्ट का नंबर क्या है वो मैटर करता है। तो पार्ट का नंबर वो हमारा सेकंड पॉइंट है। थर्ड जो हमारा ड्रॉइंग ड्रोन बाय, जो ड्रॉइंग है हमारी वो किसके द्वारा बनाई गई है, जो ड्रॉइंग बनाता है उसका यहाँ पे नाम आ जाता है। नाम में तो क्या है कुछ स्पेसिफिकेशन आ जाएगा। चेक, इस ड्रॉइंग को चेक किसने किया है वो चीज, वेल ड्रॉइंग कब बनी है उसके लिए, ड्रॉइंग कब बनी है, कब जिस ड्रॉइंग को बनाया गया, चाहे इसको कैड के अंदर गया, सॉलिडवर्क्स पे बनाया गया, या केटिया पे बनाया, जहां पे भी, तो इसको बनाया कब गया है, उसकी डेट वगैरह आती सारी वो सारी चीज। कई सारी चीजें इसके अंदर मैंने हाइड की हुई है। वो क्या है कि
इसीलिए क्योंकि उसके अंदर क्या काफी इंफॉर्मेशन होती है इंडस्ट्री से रिलेटेड वो चीजें। मैंने उस चीज को साइड पे करके फिर भी आपको उन्हीं से रिलेट करके मैं सारी चीज बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। ऑर्गेनाइजेशन नेम, जो आपको ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आपकी कंपनी, जिस कंपनी की वो ड्राइंग है, जो भी है वो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ जाएगा तो उसके अंदर, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है या लिमिटेड कंपनी है, जो भी है, एमएनसी कंपनी है, वो सारा कुछ में आ जाता है उसके नेम के साथ। वेट, जो पार्ट है हमारा, उसका वेट कितना है, क्या है, कितना किलोग्राम का है वो, है कितना क्या है, वो सारा वेट के अंदर आता है, वो वेट में दिया होता है। रिवीजन, रिवीजन नंबर का मतलब होता है कि जो ड्राइंग है आपकी उसको कितनी बार रिवाइज किया गया। अगर रिवीजन के आगे खाली कुछ नहीं लिखा हुआ, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उस ड्राइंग को जो है, उस ड्राइंग को रिवाइज नहीं किया गया है, उसका रिवीजन नहीं हुआ है। अगर वहां पे 0 1 लिखा हो, 1 लिखा हो तो उसका किया हुआ है, 2 लिखा होगा तो उसको 2 बार रिवाइज किया गया, 3 लिखा तो 3 बार, 4 लिखा तो 4। सो रिविजन जो होता है वो ड्रॉइंग के से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट हमारा जो ड्रॉइंग का साइज, ड्रॉइंग का साइज क्या है वो सारा दिया रहता है कि जो हमारे ड्रॉइंग है उसका साइज क्या होगा उसके अकॉर्डिंग। चेक बाय, ड्राइंग को चेक किसने किया है, जो भी ड्राइंग को चेक करता है, या तो उसके सिग्नेचर होते हैं, नेम होता है, कोई कोड होता है, तो वो उस पे दिया रहता है। वो जैसे ड्रॉइंग बाय यहाँ पे दिया हुआ तो चेक बाय इसके नीचे आ जाएगा। इसके बाद अप्रूव बाय, इस ड्राइंग को अप्रूव किसने किया है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव हुई है, या फिर क्या है कि हाई डिपार्टमेंट से अप्रूव हुई है, तो जिसने भी इसका अप्रूव किया है इस ड्राइंग को, वो यहाँ पे आता है। चेंजेस, चेंजेस जो ड्राइंग के अंदर क्या क्या चेंजेस हो गए हैं, कौन कौन सी, जो ड्राइंग से पहले ड्राइंग में क्या था और अब ड्राइंग में क्या है, क्या डिफरेंट है पहले से अब की तरह, तो वो सारे चेंजमेंट जो भी होते हैं वो इस ड्राइंग, वो ड्राइंग के अंदर दिए जाते हैं। सो वो टाइटल बार के अंदर आपको पहले पता चल जाता है। नेक्स्ट हमारा व्यूज शो, उस पर व्यूज दे देंगे आपको, आपको 2D व्यूज तो मिलता ही है, बट क्या ऑब्जेक्ट का 3D व्यू भी आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट का 3D व्यू भी, कई ड्रॉइंग्स ऐसी होती है जिसमें 3D व्यू नहीं होता है, तो उसमें कई प्रॉब्लम होती है, कई प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको काफी दिक्कत आती है उस चीज में। तो जितनी भी कॉम्प्लेक्सी ड्रॉइंग होती है, जैसे HMC VMC की काफी कॉम्प्लेक्सी ड्रॉइंग होती है, तो उन ड्रॉइंग्स के अंदर जो होता है वो पहले से, उन ड्रॉइंग्स के अंदर पहले से आपके 3D के अंदर भी पार्ट बना होता है ताकि इजिली जो है वो समझ में आ जाए ड्रॉइंग। ये हमारे व्यूज होते हैं। प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोजेक्शन जो तो ड्राइंग आती है वो फर्स्ट एंगल में बनी है, थर्ड एंगल में बनी है, वो चीज। जैसे ये हमारी ड्राइंग है तो इस पे दिया हुआ है, जैसे इस ड्राइंग पे सिंगल सिंपल नहीं दिया हुआ है इस पे, बाकी क्या है कि इस तरह से साइन लिखा हुआ जाता है। ये अगर दिया हुआ है आपका तो ड्राइंग फर्स्ट एंगल में बनी है, यहाँ पे ओनली ये लिखा हुआ फर्स्ट और थर्ड लिखा हुआ, इस पे कट का निशान आया हुआ, यानी जो ड्राइंग हमारी है वो फर्स्ट एंगल में है। अब फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल क्या होता है, इसके लिए भी हम आगे जो वीडियो उसके अंदर काफी डीपली स्टडी करेंगे। सो उसके पहले आप ये देख लेंगे, जो सिंबल होता है, ये सिंबल में जो ये आपका ये कॉनिकल शेप है, ये कॉनिकल शेप आगे होगी और ये जो होगा आपके जो सर्कल है ये पीछे होगी, ये दोनों, तो ये आपके फर्स्ट एंगल होगा। और थर्ड एंगल में क्या होगा, ये दोनों इसके आगे आ जाएंगे। ये क्यों आते हैं, क्या होता है, ये मैं सारा आपको बताऊंगा आगे वाली वीडियो में। सो इसी के अंदर हम जो है वो कंपोनेंट के बारे में रीड कर रहे हैं फर्स्ट एंगल। तो जो हमारा प्रोजेक्शन है इसका, वो है हमारा फर्स्ट में। सो फर्स्ट के अंदर जो होता है, टॉप जो होता है ड्राइंग का, टॉप वो ऊपर आता है और जो बॉटम होता है वो नीचे आता है। नेक्स्ट हम इसकी जो इस ड्राइंग, ये जिस ड्राइंग का मैं टाइटल बारे बता रहा हूँ, इसी ड्राइंग का सबसे पहले, जो ड्राइंग की सीरीज है खत्म होने के बाद, इसी ड्राइंग का सबसे पहले हम देख के और प्रोग्राम बनाएंगे, इसी ड्राइंग से रिलेटेड हम प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी इसमें टेपर जेम्पर जो भी हमारे जो फंक्शन होते हैं वो सारे इसी के अंदर करके निकालेंगे। इसके बाद हमारा स्केल आता है, इसका स्केल क्या है वो चीज, स्केल काफी अपने आप में काफी मैटर करता है, स्केल कि ड्राइंग का स्केल क्या क्या है, किस तरह से है। सबसे छोटी ड्राइंग को दिया जाता है A4 के अंदर, A4 A4 जो होता है ये हम स्केलिंग पार्ट जो है इसका, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ही जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, टॉपिक जो नेक्स्ट आने वाले टॉपिक है उनके अंदर पूरा स्केलिंग के ऊपर ही वो दिया हुआ है, बट टाइटल बार के अंदर स्केल का क्या रोल है वो मैं बता रहा हूँ। सो स्केल पे यहाँ पे आपको स्केल दिया होगा, जैसे DNT S2 दिया हुआ है, तो ये क्या है कि इसका जो है वो कोड दिया हुआ एक तरह से, क्या वो कोड क्या है इसका वो है, जैसे मान लो स्केल में आपको दिया है 1:1, तो इसका मतलब ये होता है कि जो ड्राइंग है आपकी उसका साइज फुल है, वो फुल साइज है, जो भी आपका जो साइज है, जो एक्चुअल उसका साइज है, जो एक्चुअल साइज उसका दिया हुआ वही साइज होगा, यानी 1:1 की जो ड्राइंग होगी वो आपके फुल साइज की होगी। सो आप इसको फुल साइज बोल सकते हैं। अगर आपको 1:2 दिया हुआ मिल जाता है तो वो हाफ होगा,
जो हमारा पार्ट है, जैसे मान लो एमएम उसको 100 mm का हमारा पार्ट है, तो उसकी लंबाई अगर 100 mm है या 200 mm उसकी लंबाई है, तो दिया हुआ है कि जैसे 200 mm, बट वो 200 नहीं है, वो 100 mm उसकी लंबाई होगी। तो ये हमारा हाफ के अंदर होता है। अब अगर मान लो ये 2:1 में कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पार्ट जो है वो काफी छोटा है, काफी छोटा पार्ट है। उस छोटे पार्ट को हमने क्या कर किया हुआ कि उसको हमने 2 गुना बढ़ा के बताया हुआ है। यानी अगर मैं 10 10 mm की कोई लाइन खींचता हूँ, तो लाइन आपकी 20 mm की। ये जो होता है, ये स्केलिंग अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्केल देख के आपको पता पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे स्केल पे आपके दिया हुआ है, इस पे दिया हुआ है जैसे आपके 1:2, यानी जो हमारा कंपोनेंट है, ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन की जो लंबाई है वो आपकी जो है वो दो वो हाफ है। अगर मान लो 50 mm का है तो 25 mm। ये हमारा स्केल से रिलेटेड है। तो स्केल में भी कई साइज का आता है, ड्राइंग की साइज होती है, जैसे सबसे छोटा साइज हम A4 को बोलते हैं। ये चीज आने वाली वीडियोस के अंदर आपको स्केलिंग के बारे में बताया जाएगा। मटेरियल जो है हमारा, मटेरियल कौन सा मटेरियल है, किस टाइप का मटेरियल है, मटेरियल का कोड क्या है, वो सारा यहाँ पे आता है। ये मटेरियल का जो कोड है वो यहाँ पे आता है। मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया है। बाकी क्या है कि सारी चीज जो होती है काफी सीक्रेट चीजें हैं, इसीलिए मॉडल नंबर जो मॉडल है हमारा, वो मॉडल कौन सा है, इंडस्ट्री के अंदर जो मॉडल आते हैं, कई तरह के मॉडल आते हैं। जब वो क्या है कि किसी से भी कस्टमर से लिंकअप करते हैं, तो क्या है कि अपने अलग अलग कस्टमर से रिलेटेड उन्होंने अपने मॉडल डिसाइड किए होते हैं। मॉडल के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर बताया जाता है मॉडल क्या क्या है। तो यहाँ पे मॉडल दिया जाता है आपके क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब ये है कि जो पीस है आपके, इसकी क्वांटिटी क्या है, वो चीज कहीं ना कहीं की क्वांटिटी जो होता है ये पीस की क्वांटिटी से रिलेटेड होता है। ये जो होता है हमारा टाइटल बार, इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है। कभी भी कोई ड्राइंग हम रीड करते हैं, तो सबसे पहले हमको टाइटल बार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, टाइटल ब्लॉक जो है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि टाइटल बोर्ड जो होता है, सबसे पहले वो सारी जो ड्राइंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी इसी के अंदर होती है। अगर ये आपके पास नहीं है, ड्राइंग के अंदर नहीं दिया गया, तो आप ड्राइंग के अंदर कुछ नहीं समझ सकते, और उसका ड्राइंग का पता भी नहीं लगा सकते उसके अंदर क्या क्या चीजें दी गई और क्या क्या हुआ उसके अंदर। ये जो वीडियो है टाइटल बार वाली, ये आपको कैसी लगी ये वीडियो? जैसे आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताया था कि क्या है कि आपके लाइक्स और कमेंट्स से क्या है, मुझे नेक्स्ट वीडियोस के लिए मोटिवेशन मिले। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।